तो गेमर जैसे आज मेरी मेन आईडी मैंने ओपन की, मेरे सामने कुछ ऐसा एरर आया जहां लिखा है दिस टीम कंटेन्स सस्पिशियस प्लेयर्स अंडर इन्वेस्टिगेशन इनेबल टू ज्वाइन दिस टीम। मतलब क्या होता है, अगर आपको भी ये प्रॉब्लम देखने को मिला है तो क्या आपकी आईडी बैन हो जाएगी? अगर बैन नहीं होगी तो आपको क्या पनिशमेंट मिलेगी? आज की वीडियो में उसी पे बात करेंगे और इसके साथ साथ आपको क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगा वो भी बता देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम हमें किसको देखने को मिलता है। तो ये तीन तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। आप किसी हैकर के साथ रैंक पुश किया है, चाहे बीआर किया हो या सीएस किया हो, लेकिन आपने रैंक पुश किया है जानबूझ के हैकर के साथ, तब आप लोगों को देखने को मिल सकता है। दूसरा कि आप लोगों ने थर्ड पार्टी फ्री फायर मैक्स या फ्री फायर से खेलते हो, तब भी आप लोगों को देखने को मिलता है। और तीसरा कि मेरे जैसे जो पीसी में प्लेयर है, तो क्या है कि हम लोगों को प्ले स्टोर के अंदर तो नॉर्मल फ्री फायर है नहीं और फ्री फायर मैक्स हमारा ऑटो बैक हो जाता है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, थर्ड पार्टी से डाउनलोड करते हैं पीसी के अंदर, जैसे कि ब्लू स्टैक उसका मेन है। इसके अलावा हम प्ले स्टोर के अलावा एपीके प्योर यानी कि क्रोम से डाउनलोड कर लेते हैं। आप लोग एकदम शॉर्ट में समझ जाओ, तो उनको भी देखने को मिलता है। तो क्या हम लोगों को ये देखने को मिला मतलब हमारी आईडी 100% बैन होगी? तो 100% आपकी आईडी बैन नहीं होगी, लेकिन 10% आपकी आईडी बैन होगी। चलो मैं वो भी आपको क्लियर कर देता हूँ। तो आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है, उसके बाद तीन प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। सबसे पहली प्रॉब्लम कि आप किसी भी स्क्वाड में जा नहीं सकते हो, किसी को आप बुला नहीं सकते हो, मतलब आप स्क्वाड या डुओ खेल ही नहीं सकते शॉर्ट में, अगर आप लोगों को सोलो ही खेलना पड़ेगा। और दूसरा प्रॉब्लम ये कि आप लोगों को सोलो भी खेलना पड़ेगा, उसमें भी मैच मेकिंग टाइम आपका बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। नॉर्मली अगर आप लोगों का मास्टर रैंक है तो हमारा एक मिनट के अंदर अंदर हमारा गेम स्टार्ट हो जाता है, लेकिन आप लोग हमारा सस्पिशियस हो, गैना को लगता है कि आपने हैक यूज किया है, तो ऐसे में आपको हो सकता है 3 मिनट भी रुकना पड़े, 4 मिनट भी रुकना पड़े और हो सके ब्लैक लिस्ट ही मिल जाए, मतलब आपका गेम ही स्टार्ट ना हो। आप ट्रेनिंग में जाओगे तो ट्रेनिंग में हैकर मिलेगी, आप लोग क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो, मतलब खेल ही नहीं सकते हम। लोन वॉल्व स्टार्ट नहीं होगा, ट्रेनिंग जाएंगे, ट्रेनिंग के अंदर सामने हैकर आएंगे। तो ऐसे में हमारा एक सवाल उठता है कि इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा राज भाई? तो सॉल्यूशन आप लोगों को मैं एकदम क्लियर बता दूं कि सबसे पहला सॉल्यूशन कि आपको जो गेम है उसके अंदर आप लोगों को रिपोर्ट फीडबैक ऑप्शन मिल जाएगा, उसके अंदर जाके आप लोगों को गरीना को सबमिट करना है। अगर सबमिट करोगे तो एक वीक के अंदर आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन दूसरा एकदम सिंपल सा सॉल्यूशन आप लोगों को दे देता हूँ कि आपने ना तो हैक यूज किया, अगर आपने हैक यूज किया गरीना फ्री फायर आपको जरूर पेलेगा, मतलब आज नहीं 1 साल के बाद भी आपकी आईडी बैन होगी। तो आपको सस्पिशियस देखने को मिला है और आपने आपके किसी फ्रेंड को आईडी दी है तो कंफर्म है वो आपकी आईडी बैन होगी। लेकिन कुछ बंदों ने मेरी तरह छोटी छोटी गलती कर दी है, मतलब थर्ड पार्टी से डाउनलोड कर लिया, हम कोई हैक बैक यूज नहीं कर रहे थे, हेडशॉट ओनली रेडशॉट नहीं मार रहे थे, तो आपको गरीना एक मौका देता है। ये सस्पिशियस के अंदर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलता है। पहला आता है 24 घंटे का, मतलब पहली बार आपको मेरी तरह मिला है तो आपका 24 घंटे में आईडी एकदम नॉर्मल हो जाएगा। दूसरी बार आएगा तब 7 दिन के लिए रहेगा और तीसरी बार आएगा तब 30 दिन के लिए रहेगा और चौथी बार आएगा और गरीना को कंफर्मेशन मिल जाएगा कि आप हैकर ही हो, मतलब कंफर्मेशन 100% वो कंफर्म हो जाएंगे। उसके बाद चौथी बार जब आएगा तब आपकी आईडी बैन होगी। तो आप लोगों ने हैक यूज नहीं किया और ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है तो चिल करना है, 24 घंटे के अंदर चला जाएगा। उसके बाद आप लोग स्क्वाड डुओ सोलो जो भी खेलना चाहते हो नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन आपने हैक यूज किया या किसी हैकर के साथ रैंक पुश किया है तो सबसे पहले तो आपको ये सस्पिशियस देखने को मिलेगा और दूसरा कि आप लोगों का जो रैंक होगा वो एकदम रिसेट कर दिया जाएगा, मतलब सीधा ब्रॉन्ज में डाल दिया जाएगा। तो अभी के लिए तो मेरा कोई भी रैंक रिसेट नहीं हुआ है क्योंकि मैंने कोई गलती किया ही नहीं है, ये गरीना की गलती है। कभी कभार क्या होता है कि हम अननोन खेलते हैं उसमें हैकर आ जाते हैं, तो वो हमारी थोड़ी गलती है, वो मैच मेकिंग गरीना ने किया है। तो ऐसे में आप गरीना के सामने भी बोल सकते हो, सेम टू सेम आप लोग जब फॉर्म सबमिट करो उसमें बोल सकते हो कि भाई मेरा गेम स्टार्ट नहीं हो रहा है, पहले तो मैच मेकिंग नहीं हो रहा है, दूसरा स्क्वाड नहीं बना पा रहा, ट्रेनिंग में जा रहा हूँ तो हैकर आ रहे हैं, तो ये आपका कैसे एल्गोरिथम है? तो आप खुद गरीना को भी ये सवाल कर सकते हो। बाकी आप लोगों को घबराना नहीं है, अगर ये प्रॉब्लम देखने को मिला तो 24 घंटे के अंदर आपका सॉल्व हो जाएगा। फिर भी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, मतलब 24 घंटे के अंदर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, 7 दिन आप लोगों ने वेट कर लिया, तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, मैं आप लोगों को एक पूरा टेक्स्ट दे दूंगा, सिर्फ उसको आपको कॉपी करना है और गरीना को भेज देना है। 7 दिन के अंदर गरीना प्रिपेयर कंफर्म आपका रिक्वेस्ट सॉल्व कर देगा, मतलब आपको जो भी प्रॉब्लम आ रहा है वो सॉल्व कर देगा और आप लोग वापस खेल पाओगे। तो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जाना।